मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति निषेध टूरिज्म फिर से आपका स्वागत है। 10 मई 2024 यानी कल अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है। भगवान विष्णु के छठवें आवेश अवतार परशुराम का कल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। पूरे देश में भगवान विष्णु के परम अवतार माने जाते हैं परशुराम जी। वो धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लिए थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका उनके माता पिता थे। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जन्म उत्सव 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। परशुराम का शाब्दिक अर्थ है परशु का तात्पर्य है पराक्रम, राम पर्याय है सत्य सनातन का। इस प्रकार परशु का अर्थ हुआ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम का जन्म उत्सव 10 मई 2024 को मनाया जाना है। जन्म समय सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के छठवें अवतार आवेश अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पति परायण माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्ववसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया। जन्म स्थान, भगवान परशुराम का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडी में हुआ था। एक अन्य किंवदंती यह भी है कि भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित जानापाव की पहाड़ी पर हुआ था। एक और मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित कलचा गाँव में उनका जन्म माना जाता है। भगवान परशुराम को शास्त्रों के दीक्षा दादा ऋचिक पित्र जमदग्नि और शस्त्र चलाने की शिक्षा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी। परशुराम योग वेद और नीति के पारंगत माने जाते हैं। ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े बड़े शास्त्रों का उनको ज्ञान था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। बताया जाता है कि सुकन्या नाम की स्त्री से उनका विवाह हुआ था, अपनी ही माँ का सिर काट दिया। शास्त्रों के अनुसार परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी भाई फल लेने के लिए वन गए हुए थे तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई हुई थी। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते हुए देखा। यह देखकर उनके मन विकार उत्पन्न हुआ और वो खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि को इस बात का पता चल गया। जब सभी भाई वन से वापस आए तो महर्षि जमदग्नि ने उन सभी को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उनके पिता ने उनको श्राप दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहाँ परशुराम आए तब जमदग्नि ने उनको यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता का आदेश सुना और तुरंत अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता को माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति ना रहे और साथ ही अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। अष्ट चिरंजीवियों में से एक है परशुराम। अष्ट चिरंजीवी है परशुराम। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसा 7-8 देवता है जिनको चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त है। यह सब किसी न किसी वचन नियम या साप से बंधे हुए हैं। यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। इन सब के नाम इस प्रकार है: अश्वत्थामा, दैत्यराज, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। परशुराम को भगवान श्री कृष्ण ने सप्तकल्पान तक जीवित रहने का वरदान दिया है। भगवान परशुराम आज भी हमारी धरती पर है। वो अजर अमर अविनाशी है। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वो चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी देखा गया। उन्होंने ही भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप स्थली है और वो कल्पांत तक तपस्यारत वहाँ पर रहेंगे। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए।
त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया और भगवान राम ने उनका ही स्वयंवर में उनके धनुष को तोड़ दिया था। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं जिसको हम अलग अलग कहानियों के माध्यम से हम जानते हैं। भगवान परशुराम आज तक कल्पान जीवी है और अजर अमर अविनाशी है। वे भगवान के छठवें आवेश अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया को दिन भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। परशुराम अवतार के बारे में एक और कहानी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में मसमती नगरी पर शक्तिशाली है वंशी क्षत्रिय कार्तवी अर्जुन शास्त्र भाव का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया, तब शास्त्र बाहु ने घमंड निभाकर कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे, अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने शास्त्र बाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और ना सिर्फ शास्त्र बाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लेकर परशुराम के नाम से जाना गया और उन्होंने सहस्त्र बाहु का वध कर समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म मनाया जाता है। आप सबको जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्म ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम् प्रताय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, प्राणी सताए जाएंगे, साधु संत सताए जाएंगे, गायों पर अत्याचार होगा, तब तब मैं अलग अलग रूप में धरती पर अवतार लूंगा, जन्म लूंगा और दुष्टों का नाश करूंगा और पृथ्वी में धर्म की स्थापना करूंगा। तो मित्रों, परशुराम भी भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं। उन्होंने भी शत्रुओं का, अधर्मियों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लिया। तो मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय श्री राम, जय परशुराम। आप सबको अक्षय तृतीया की और भगवान परशुराम के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान परशुराम सबका भला करे, पृथ्वी में धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम, जय परशुराम।